डियर फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर प्रमोद कगन आईटी एकेडमी चैनल पर आज आपको इलिप्स का निर्माण कैसे करते हैं, इलिप्स यानी गिव बर्थ वो कैसे बनाते हैं, उसके जो दो मेथड बहुत सारे हैं, अपन दो मेथड से करेंगे। एक तो फोर सेंटर मेथड जिसमें चार सेंटर लेते हुए अपन कैसे बना सकते हैं, एक वो मेथड अपन लेंगे। और दूसरा मेथड एक और है जिसके अंदर जो है जो सर्किल है, दो सर्किल्स के अंदर कोसेंट्रिक सर्किल्स के अपन कैसे बनाए। तो पहला अपन जो क्वेश्चन आ रहा है, इस क्वेश्चन क्या रहता है, ड्रॉ एन इलिप्स विद मेजर एक्सिस, जिसमें दो एक्सिस दे रखे हैं, इलिप्स के दो एक्सिस होते हैं, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के हिसाब से अपन आयत बना लेंगे। मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस जो है ना, उसके हिसाब से अपन दो आयत बना लेंगे। मान लिया कि मेजर एक्सिस आपका 120 है और माइनर एक्सिस आपका 60 है, तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस के हिसाब से अपन ने आयत बनाया। ये 120 है तो ये आपने 120 ले लिया, और ये आपका 60 है, ये आपने 60 ले लिया, और एक आयत का निर्माण अपने यहां पर कर दिया। मतलब किसके हिसाब से किया अपने, ये जो भी इसका ये मेजर एक्सिस था, मेजर एक्सिस के हिसाब से ये अपने ले लिए, दोनों एक्सिस डाल दिए, क्या किया अपन ने, ई एफ जी और एच आयत बनाया, जिसमें ई एच तो कितना लिया अपन ने, मेजर एक्सिस के बराबर, और ई एफ कितना लिया, आयत दो भुजाएं होती है तो एक मेजर एक्सिस के बराबर ले लिया, नीचे वाला एक माइनर एक्सिस के बराबर ले लिया। इसके बाद अपन क्या करें, इसको जो अपन ने एक्सिस डाले उनका नाम दे दिया ए बी, और इसका नाम दे दिया सी डी, ठीक है। इसके बाद क्या किया अपन ने, यहां इस ए ई का सब डिवीजन किया, ए ई का सब डिवीजन किया, सब डिवीजन किया, और इस पॉइंट का नाम आपने पी दे दिया। इस पी पॉइंट को आपने के से डी से मिला दिया, किसे मिलाया, बिंदु डी से मिलाया, और बिंदु सी को इस ई बिंदु से अपने मिला दिया, बिंदु सी को ई से मिलाया, इस पॉइंट का नाम आपने के दे दिया, जहां पर ये सीई इस पीडी को जहां क्रॉस करती है काटती है उसका नाम अपने के दे दिया। अब के और डी जो लाइन है इसका अपन क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डालते हैं, जो कि इस बढ़ी हुई रेखा को, कौन सी वाली, सीडी को, बढ़ी हुई रेखा को, पहले मैं सीडी को बढ़ा देता हूं एक बार, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसका डालना अपने को के डी का, जैसे ये आपका जितना भी था उसका बिल्कुल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करने के लिए आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे करते हैं, आधे से ज्यादा चाप यहां बढ़ेंगे, आधे से ज्यादा यहां बढ़ेंगे, आधे से ज्यादा यहां बढ़ेंगे, और यहां बढ़ेंगे, काटेंगे उस पर अपन लाइन खींच देंगे तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर को अपन ने बढ़ाया आगे तक, इसको अपन ने लंबाई बढ़ाई, जो कि जो आपका जो माइनर एक्सिस है डीसी उसको एक्सटेंड करने पर इस बिंदु पे काटा, इसका नाम आपने क्यू दे दिया, कर दिया क्यू दे दिया। अब ये जो आपका जो पॉइंट आया है क्यू, ये एक सेंटर आ गया जहां से आप आर्क लगा सकते हैं, अर्थात आर्क का मान कितना भरेंगे अपन इसमें, इसमें आर्क का रेडियस भरेंगे ये वाला, क्यू से लेकर के डी का अपन चाप भरेंगे, ये क्यू पे अपन ने प्रकार रखा और चाप अपन ने इसके बराबर भर दिया। दूसरा चाप, अब क्या होता है, देखो एक सेंटर तो आपके पास में आ गया, दूसरा सेंटर निकालना है, उसके लिए क्या करें आप, दूसरा सेंटर लेना है, दूसरे सेंटर लेने के लिए क्या किया अपन ने, के को ए से मिलाया, किसको, के को ए से मिलाया, और ए के जो लाइन है आपकी इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कर दो, लंब अर्धक, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब होता है लंब अर्धक, ये लंब अर्धक आपकी जो बड़ा वाला एक्सिस है उसको जो काटता है उसका नाम मैं एफ वन दे दू, क्या दे दू, एफ वन दे दू, एफ वन के मैं प्रकार रखूंगा, और ये चाप जो आपका मैं इसमें भरूंगा, जो भी चाप आएगा आपका मैं एक बार इससे लगा देता हूं आपको, सपोज कोई ये ऐसा चाप आपके इसमें प्रकार से जो कंपास है आपका उससे आपको लगाना है। अब जो का जो मान ये आपके ए से जो आपके दो सेंटर निकल गए, इन दो से अपन चाहे तो चारों और दोनों और निकल सकते हैं, कैसे कि ये एक सेंटर ये आया, एक सेंटर ये आया,
इन्हीं के रेफरेंस में अपन दूसरे सेंटर कैसे निकालते हैं वो, या तो अपने को पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन अपन को ही करना पड़ेगा, जो अपन ने से क्यू है ना, क्यू को कैसे निकाला, इसको बड़ा करके अपने दिया, ऐसे कैसे कंस्ट्रक्शन अपने को इधर करना पड़ेगा। और नहीं तो दूसरा मेथड है वो मैं बता रहा हूं आपको कि आप डायरेक्ट कैसे निकाले उसका सेंटर। इसको आपने बढ़ा दिया और जो सेंटर था आपका इसका ये आप जो इधर से सेंटर आया वो मान आपने, क्योंकि अब जो दूसरा सर्किल अगर जो चाप रहेगा आपके यहां से आएगा तो अपने इसका जो मान यहां से तक का माप था वो माप अपने यहां से लेकर यहां कट कर दिया। तो ये एक सेंटर आ गया, वो सेंटर आया जिससे कि आपने चाप भर करके अपन लगाएंगे तो वो आपके यहां से इसको मिलान करते हुए ले जाएगा। ठीक है ना, ये देखो मैच हो रहा है यहां से। अब जो चौथा सेंटर आना है, जैसे अपने ये सेकंड सेंटर आया वैसे चौथा आएगा। तो दूसरा एक क्या मेथड है, एक तो वापस ये कहीं प्रोसेस करेंगे यहां, जैसे ये मेथड प्रोसेस किया वैसे वैसे यहां करना है। नहीं तो क्या करो, जो दूरी यहां से डिस्टेंस थी वो क्यों डिस्टेंस यहां ले लो, जो डिस्टेंस आपका ए और एफ का है सेम डिस्टेंस आपका जो आपका बी से एफ टू का जो सेकंड सेंटर निकलेगा उसका रहेगा। सब कुछ ये डिस्टेंस जो भी आ रहा है आपका वो मैंने यहां से यहां मार्किंग कर देता हूं, वो सेंटर आपका ये आ गया। इसका नाम मैंने एफ टू दे दिया। एफ टू पे अपन ने प्रकार रखा और अपन ने एक वो एक कर्वेचर लिया कहां से, एफ टू से लेकर के बी का चाप भरोगे और ये आप चाप लगा दोगे ऑटोमेटिकली, ये स्मूथ कर्व के से आपके इसके मिल जाएगा। देखो अपने क्या किया, वापिस बता देता हूँ एक बार, जिस जैसे इसमें अपने को दो एक्सेस दिए हुए आएंगे, मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस, मेजर एक्सेस लगाया माइनर एक्सेस लगाया और मेजर एक्सेस के बराबर का ईएच जो अपने इसमें एक आयत बना देंगे अपन जो है ना रेक्टेंगल बना देंगे, तो ई एच आपका मेजर एक्सेस के बराबर हो गया और ई एफ आपका माइनर एक्सेस के बराबर हो गया। इसको आपने मेजर एक्सेस और माइनर एक्सेस बीचों बीच डाल दिया इसमें, जो कि ए बी हो गया आपका मेजर एक्सेस और सी डी हो गया आपका माइनर एक्सेस। अब आप क्या किया, अब अपन ने इसका ए और ई का समद्विबंध किया आधा, ये पॉइंट बी पर आया, पी को अपन ने बी से मिला दिया। अब यहां से सी से इस ई को मिलाया, सी से ई को मिलाया जो कि रेखा इस पी डी को कहां काटा, के ऊपर काटा, के और डी का लंब वर्धक किया, वो जो लंब वर्धक किया वो आपके के और डी का लंब वर्धक मान लिया कि इस पॉइंट का नाम में एच दे दू, क्या दे दू, एच मैंने दे रखा तो क्यू आर दे दूंगा, एक मिनट में आर दे दू, तो इस आर पे जो है उसका लंब वर्धक आया किसका, के डी का। इस आर से मैंने जो लंब वर्धक रेखा थी उसको आगे तक बढ़ाया जो कि इस माइनर एक्सिस था ना, उस माइनर एक्सिस सी डी की बड़ी हुई रेखा को क्यू पे काट कर, क्यू को मैंने सेंटर लिया और क्यू से लेकर के डी तक का मैंने चाप भर दिया, रेडियस भर दिया और मैंने एक चाप लगाया जो क्यू से चाप लिया वो बी से उत्तर के तक आया और ऐसे वैसे सेम इतनी डिस्टेंस तक मैं चाप मैंने इधर भी लगा दिया, जो यहां तक चाप आया वो का मैंने चाप मैंने इधर भी लगा दिया, मूव कर दिया यहां तक आएगा, जैसे आपकी जो डिस्टेंस यहां तक होगी ना वहां तक भी आपको इस डिस्टेंस तक आपको वो चाप आपने हल्का सा लगा दिया, यहां तक आपने चाप लगा दिया। अब आपने दूसरा सेंटर निकालना है, दूसरा सेंटर निकालने के लिए क्या किया, इस जो पॉइंट किया आ गया था आपके पास में पीडी के ऊपर उस के को ए से मिलाया और ए और के का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट किया, लंब वर्धक किया। लंब वर्धक करने के लिए क्या करते थे, जैसे ये रेखा है मान लीजिए कि ये एडी रेखा है जैसे वो नीचे थी, इसका लंब वर्धक करना है तो आधे से ज्यादा का चाप अपन बढ़ते हैं, एक चाप ये लगाते हैं दूसरा चाप इधर लगा देते हैं, फिर एक चाप यहां लगाते हैं और दूसरा चाप नीचे लगा देते हैं। अब ये जो लाइन आ रही है इस एडी रेखा को बराबर आधे में बांटती है और परपेंडिकुलर जाता है, लंब वर्धक का मतलब इसकी लंबत भी है और आधा आधा भी कर रखा है इसने रेखा को, ऐसे इसका लंब वर्धक किया जो इस बड़े वाले जो आपका मेजर एक्सिस है उसको एफ वन पे काटता है, इस एफ वन को अपने सेंटर लिया और चाप कौन सा भर दिया, एफ वन से लेकर के एक का चाप भरा और ये एक दूसरा चाप अपने कंपास से अपने लगा दिया। अब ये दो सेंटर आए आपके पास में, एक क्यू आया था एक एफ वन आया था, ऐसे कैसा प्रोसेस आपको इधर करना है, तो या तो क्या है कि जो प्रोसेस अपने किया वैसा वैसा प्रोसेस इधर करें, नहीं तो डायरेक्टली आप इनके सेंटर से जैसे ये क्यू से लेकर के जो डी तक का डिस्टेंस था वो अपने चाप भरा और सी पे प्रकार रखकर के अपने एक पॉइंट मार्क किया, उसका नाम मैंने ये मैंने क्यू क्यू वन ले लेता हूं और इसको मैं क्यू टू दे देता हूं, तो ये दूसरा सेंटर मेरे पास क्यू टू आ गया। क्यू टू पे मैंने प्रकार रखा और चाप वही क्यू वन से लेकर के जो आपका डी का चाप था वही मैंने चाप भरा क्यू टू से लेकर के सी का और मैंने एक चाप लगा दिया, जो कि आपके अगर चाप की डिस्टेंस कहां तक जानी है तो अगर चाहे तो आप ये मार्किंग कर सकते हैं, आपको तो बता सकते इसमें कि आपका ये चाप यहां तक आना है, इसी प्रकार ये वाला चाप भी आपको कहां तक आना है यहां तक आना है, वैसे जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं प्री मार्किंग कर, तो ये आपका चाप आपने यहां से यहां तक का ये चाप लगा दिया। अब आपने ये जो एफ वन चाप सेंटर था वैसे वैसे एफ वन से एक जो डिस्टेंस थी वो क्यों डिस्टेंस आपने वो चाप आपने बी पे रखा और पॉइंट मार्क किया,
F2 आ गया, F2 एक प्रकार रखा और आपने ये मार्क कर दिया। इस प्रकार जो आपका ये बना है, जिसको मैंने वापस में रिपीट करता हूं, ये जो पार्ट बना आपका, ये आपका दीर्घवृत्त, अच्छा सा डार्क सा कंपास कभी से कर देंगे, दीर्घवृत्त बन गया। कौन से मीटर से? 4 सेंटीमीटर से। इसमें अपन दूसरा मीटर, जैसे मान लिया जो भी आपको मान जो भी दिया हुआ, अपन वही मान ले रहे हैं कि एक इलिप्स का निर्माण करना है, कौन से मीटर से? कोसेंट्रिक सेंटीमीटर से। कोसेंट्रिक का मतलब होता है सेकेंडरी दो वृत्तों से। तो जो आपको मेजर एक्सिस दे रखा है और माइनर एक्सिस का जो मान दे रखा है, उस मान के दो आप, जैसे आपने मेजर एक्सिस आपको 120 दे रखा है तो 60 की जगह लेकर 130 बना देंगे, और माइनर एक्सिस आपको 60 दे रखा है तो इसका आधा करके इसकी 30 लेकर के अपन 30 का अपन दूसरा सर्किल बना देंगे। तो मेजर और माइनर एक्सिस के आपने जो नाप लिया है उसके आप दो सर्किल बना देते हैं। एक सर्किल आपने ये बन गया, मेजर एक्सिस का लिया, दूसरा आपने माइनर एक्सिस का लिया। दो सर्किल आपने बना दिए, इन सर्किल के दोनों सर्किल, ये आपका मेजर माइनर एक्सिस के बराबर का हो गया और ये आपका मेजर एक्सिस के बराबर का हो गया। दोनों एक्सिस आपने डाल दिए इसके अंदर, मेजर एक्सिस का निर्माण कर दिया और ये माइनर एक्सिस का निर्माण कर दिया। इस सर्किल के 360 डिग्री बना हुआ है ना, तभी चारों कोऑर्डिनेट 360 डिग्री होते हैं। इसको अपने पूरे बराबर बराबर के 12 भाग कर दिए। 12 भाग करने का मतलब है कि मैं 30-30 डिग्री के इसमें एंगल डाल दू, 30-30 डिग्री के एंगल डाल दू। इसके 12 भाग कर दी, इसका अपन नाम दे देते हैं कि 12 पार्ट कर दिए। 12 पार्ट करने के बाद में अपन क्या करेंगे, जो आपका हॉरिजॉन्टल जो आपके जो पॉइंट आए इनका नाम आपने दे दें, इनका नाम जैसे दे आपका जहां जहां ये कटे हैं उसको नाम आपने ए बी सी डी से आपने स्टार्ट कर दें, और ये ए दिया आपने, ये बी दे दें, ये सी दे दें, ये डी, ये ई, ये एफ, जी, एच, आई, जे, के और एल, ये कैप्टन ने दिया। तो छोटे वाले सर्किल के जो पार्ट हुए उनको आपने स्मॉल दे दिया, ये आपका स्मॉल ए दे दिया, बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के और एल। अब जो छोटे वाले सर्किल है यानी जो स्मॉल वाले जो पॉइंट है उनसे आपने हॉरिजॉन्टल जो आपका जो मेजर एक्सिस है जो हॉरिजॉन्टल है, ये मेजर एक्सिस आपका ओरिजिनल है, उसके पैरेलल आपने लाइन खींची, पैरेलल लाइन ड्रॉ करी। जैसे एक तो अपने जैसे ए से पैरेलल जो ओरिजिनल एक्सिस जो आपका मेजर एक्सिस है, बड़ा वाला एक्सिस है, उसकी पैरेलल लाइन डाली थी, ये आ गई। दूसरी अपने बी से लिया, ये आ गई। तीसरा अपने ये लिया, चौथा आपने यही रह जाएगी, जैसे ना इस पे क्या अपने स्पर्श में करी, पांचवा अपने कर लिया यही जाएगी। अब क्या करें, एक कैपिटल ए बी सी डी थे उनसे अपन ने माइनर एक्सिस, ये माइनर एक्सिस आपका वाला यानी कि जो आपका ये डी जे जो माइनर एक्सिस है या वर्टिकल लाइन है उसके पैरेलल अपन ने लाइन दी। जैसे बी से अपन ने ये वर्टिकल लाइन माइनर एक्सिस के पैरेलल, इस आपने सी से अपन ने लिया, डी वाला यही आ जाएगा, इससे लिया, ये यहां लिया, जो अपन इससे लाइन ले रहे हैं ये लाइनें आपके पहले वाले जो लाइन अपने पीछे की ओरिजिन पर उनको कहीं काट रही है, ये आपने दे दिया पॉइंट P1, ये आपका जो पॉइंट आया वो हो गया आपका P2, ये आपका पॉइंट आया P3, ये P4, इसके बाद ये P5, ये वाला, ये P6, ये P7, ये P8, कौन सा, ये P9,
P9 के बाद में आपका ये P9 हो गया और ये P10, 11 और P12, इनको आपने स्मूथ कर्व से मिला देना है। एक स्मूथ कर्व से जैसे कि ये आपका कर्वेचर लिया P1 को P2 से, P2 को P3 से, P4 आपके आ गया, P5 से मिलाया, P6 से मिलाया, P7, P8, इस प्रकार जो आपका ये बना है, ये बन गया आपका एलिप्स। कौन से मेथड से? ये बना आपका कोसेंट्रिक सर्किल मेथड से। ये आपका विदेश बना, ये कोसेंट्रिक सर्किल मेथड से। थैंक्स।